समरी ऑफ फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, जिसे लिखा है मिहाय चिकसेंट मिहाय ने। और अगर हम इस समरी की बात करें तो अक्सर हम सब अपने काम से या तो थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं। तो आप अपने काम को कैसे एंजॉय कर सकते हैं? आप बोरियत, चिंता या फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? आप किसी भी एक्टिविटी को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं? तो क्या वाकई में कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने काम या हॉबी को ऐसे एक्सपीरियंस में बदल सके जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सके? तो इसका जवाब है हाँ। आपके हर सवाल का जवाब इस समरी में मौजूद है। ऑथर मिहाय चिकसेंटमिहाय ने अपने करियर में ज्यादातर समय खुशी और मोटिवेशन को स्टडी करने में बिताया है। तो आप ये सब बात एक एक्सपर्ट और गुरु इंसान से सीखने जा रहे हैं। इस समरी में आप फ्लो और ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में सीखेंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके, जिसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा जाता है। आप ऐसे स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने डेली रूटीन के काम को भी एंजॉय करने लगेंगे। आप जिंदगी को भरपूर और खुल करके जीना सीख जाएंगे। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर आता है हैप्पीनेस रिविजिटेड, यानी कि खुशी हमें बाय चांस या अच्छे लक की वजह से नहीं मिलती है। ये एक्चुअली में ना कोई चीज नहीं है जिसे पावर के दम पर हासिल किया जा सके या पैसों से खरीदा जा सके। ये बाहर के माहौल या किसी घटना की वजह से भी नहीं आती है। खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किसी भी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमें खुश होने की कोई वजह नहीं मिल रही है तो हम खुद वो वजह ढूंढ सकते हैं, और खुद यानी कि हम स्वयं खुशी की वजह बन सकते हैं। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे जब हमारा जन्म होता है तो हम कैसे दिखेंगे या हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, इन सब पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम खुद अपनी तकदीर के मास्टर हैं। इसे ही हम ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहते हैं। ये लाइफ के वो पल है, वो मोमेंट्स है जिनके लिए किसी भी इंसान ने कड़ी मेहनत की होती है। और ये तब होता है जब एक इंसान ने किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किया हो। मान लीजिए कि एक स्विमर है जो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। वो हर रोज घंटों प्रैक्टिस करता है। हर रोज की प्रैक्टिस की वजह से उसके मसल्स में बहुत दर्द होने लगता है, उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। लेकिन फिर भी ये चीज उसे अच्छी लगती है क्योंकि वो अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो रहा है। उसे थकान महसूस नहीं होती क्योंकि वो अपने काम के फ्लो में है। उसके लिए सिर्फ वो मेडल मायने रखता है जो उसे अपने गोल को अचीव करने के बाद मिलेगा, और कुछ नहीं। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जी जान लगाने को भी तैयार होता है। पूरी बॉडी में दर्द होने के बावजूद भी वो स्विमिंग प्रैक्टिस को जारी रखता है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा महसूस कराता है। इसी के साथ आगे अगला चैप्टर है द एनाटॉमी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। आसान शब्दों में कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना या समझ। ये हमारे अंदर और बाहर चल रही घटनाओं को प्रोसेस करने के बारे में है। ये हमें इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर क्या एक्शन लेना है वो समझने में मदद करता है। कॉन्शियसनेस हमें इमेजिनेशन की पावर से चीजों को क्रिएट करने में भी मदद करता है। इसके कारण हम सपने देख सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं, साइंटिफिक थ्योरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जरूरी बात याद रखनी होगी। अगर हम अपने कॉन्शियसनेस को प्रोग्राम करने लगे तो हम खुद को खुशी या दुखों से भरा हुआ बना सकते हैं, और वो भी इस बात की परवाह किए बिना कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कई लोग होते हैं जो एक होपलेस सिचुएशन को भी एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। वो लाख चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद डटकर खड़े रहने का जज्बा रखते हैं। जिंदगी में खुशी और सक्सेस पाने के लिए ये सबसे खास क्वालिटी है जो हर एक में होनी ही चाहिए। वैसे आप मायूस मत होइए, आप भी बेशक इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। आप भी अपने कॉन्शियसनेस को प्रोग्राम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करने की पावर है। वैसे ये कोई जादू नहीं है बल्कि ट्रेनिंग और हार्डवर्क का कमाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में सच में ऐसा कोई है जिसने इसे पॉसिबल करके दिखाया हो। तो इसका जवाब है बिल्कुल है। जितने भी ग्रेट एथलीट, योगी, म्यूजिशियंस हैं, उन सभी ने माइंड के अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल किया है। अब एक योगी को ही ले लीजिए। एक योगी लगातार तपस्या में लीन रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते और जानते रहते हैं। वो अपना सारा टाइम और एनर्जी अपनी तपस्या में लगा देते हैं, और ऐसा करने से वो अपने स्किल में माहिर हो जाते हैं। दूसरे लोग मेडिटेशन के बारे में या जिंदगी के बारे में ना गहराई से सोचते हैं ना परवाह करते हैं, लेकिन एक योगी के जीवन का यही गोल होता है कि वो इस यूनिवर्स और जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू के रहस्य को जाने
और अच्छे से समझे। तो एनाटॉमी ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने के बाद अब बात करते हैं और समझते हैं अगले चैप्टर को, एंजॉयमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ की क्वालिटी को और बेहतर बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि अपने बाहर की कंडीशन को मनचाहा बनाए। दूसरा है चीजों को देखने का अपना नजरिया बदले। एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी को ही ले लीजिए, जो कि खुशी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अब अपने घर की सिक्योरिटी के लिए या तो आप अपने दरवाजे पर ताला लगा सकते हैं, या फिर एक ऐसी जगह शिफ्ट हो सकते हैं जो थोड़ी ज्यादा सेफ हो। ऐसा करने से आपको एक सेफ एनवायरनमेंट दे सकती है। दूसरा तरीका है कि आप ये सोचें कि आपकी नज़र में सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। अगर आप चीजों को इस नजरिए से देखने लगे कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो कि पूरी तरह से सेफ है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, वैसे अपने तरफ से आप पूरी सावधानी जरूर बरते, लेकिन इस सोच से आप ज्यादा रिलैक्स हो सकते हैं। ऐसे नजरिए से आप अपनी फैमिली के साथ लाइफ ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अपने बाहर की कंडीशन को बदलने से आपकी जिंदगी इम्प्रूव तो हो सकती है, लेकिन बस कुछ ही समय के लिए ऐसा होगा। असल में आपको अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल ही ले लीजिए कि अगर आप एक प्राइवेट आइलैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं, अपने लिए बॉडीगार्ड हायर करते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया ही गलत हुआ, तब भी आप हमेशा डर में ही जीते रहेंगे। आप हमेशा अनसेफ ही महसूस करेंगे। लंबे समय तक खुश रहने के लिए और सेफ महसूस करने के लिए आपको अपने कॉन्शियसनेस, अपने मन से डर को दूर करना होगा। तो आइए इसे हम इस कहानी से समझते हैं। किंग मिडास ऐसे शख्स थे जो ये मानते थे कि अगर उनके पास बहुत धन दौलत होगी तो वो जरूर इस दुनिया के सबसे सुखी और खुश इंसान होंगे। उन्होंने भगवान को खुश करके एक वरदान मांगा कि वो जो भी छुए वो सोना बन जाए। अब इस वरदान को पा करके वो बहुत खुश हुए। वो जिस भी चीज को छूते थे वो सोना बन जाता, और उन्हें लगने लगा कि अब उनके पास इतनी ज्यादा दौलत होगी कि वो कभी भी उदास और दुखी नहीं हो सकते। लेकिन जल्दी ही ऐसा वक्त आया जब उन्हें अपने मांगे हुए वरदान पर पछतावा होने लगा। ना वो कुछ खा सकते थे, ना पी सकते थे, क्योंकि वो जिस भी किसी चीज को हाथ लगाते वो तुरंत सोने में बदल जाती थी। अब उनके पास भरपूर दौलत तो थी, लेकिन ना खुशी थी, ना ही एक पल का सुकून था। और किंग मिडास ऐसे ही मर गए। उनके चारों तरफ सोना ही सोना था, लेकिन वो उन्हें कभी भी खुशी नहीं दे पाया। और इसी तरीके से आजकल अमीर घरानों के मिडिल एज लोगों का साइकेट्रिस्ट के पास जाना बड़ी आम बात हो गई है। इनके पास महंगी गाड़ियाँ, आलिशान बंगले, बेस्ट एजुकेशन सब कुछ है। वो सक्सेसफुल भी है और अमीर भी है, लेकिन फिर भी वो मन की शांति के लिए तरसते हैं। लोग सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा और कमा सकती, काश मैं थोड़ा और फिट होती, काश मुझे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाता तो मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाती। लेकिन सच तो ये है कि ये एक कभी भी ना खत्म होने वाली खोज है। हमारी सोसाइटी पावर, दौलत, स्टेटस को ही खुशी का सिंबल मानती है। अगर हम किसी फेमस, अमीर, गुड लुकिंग शख्स को देखते हैं तो बस मान लेते हैं कि वो तो अपनी जिंदगी में कितना खुश होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि हमारे पास क्या क्या है और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको दौलत की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी है आप उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए, उसकी कदर करना सीखिए। दूसरों से तुलना करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक गरीब तो इसी बात से खुश हो जाता है कि उसके सिर के ऊपर एक छत है जिसमें वो अपने परिवार के साथ चैन से रह सके। तो इस कहानी को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द ऑटोजेनिक एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऑप्टिमल एक्सपीरियंस अपने आप में एक गिफ्ट की तरह होता है। ये एक एक्टिविटी है जो एक इंसान सिर्फ खुशी के लिए करता है। एग्जाम्पल के लिए एक सेलर कह सकता है कि मैं अपना सारा टाइम और एनर्जी एक बोट में इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे बोट से सफर करना सबसे ज्यादा खुशी देता है। ऑटोटेलिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से जुड़कर बना है। पहला है ऑटो यानी सेल्फ या खुद, दूसरा है टेलोस यानी गोल। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप फ्यूचर में बिना किसी फायदे की उम्मीद के करते हैं क्योंकि वो अपने आप में एक गोल होता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों को पढ़ाना ताकि वो अच्छे सिटीजन बन सके, अच्छे नागरिक बन सके, ये एक ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बच्चों को पढ़ाना क्योंकि आपको उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, एक ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस जरूर है। जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं और उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं तो वो ऑटोटेलिक एक्टिविटी बन जाता है। जब आप किसी चीज को ड्यूटी या जरूरत ना समझकर उसमें इतने मगन हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि वो आपको काम नहीं लगता बल्कि आप उसे एंजॉय करने लगते हैं, तो उसे ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस कहा जाता है। जब आप कोई नई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो वो एक बार में ऑटोटेलिक नहीं हो सकता।
एग्जाम्पल के लिए एक सर्जन को सर्जरी सीखने के लिए लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उस समय वो पैसा कमाने, सोसाइटी में प्रेस्टीज बनाने और लोगों की मदद करने के लिए सर्जरी करता है, लेकिन समय के साथ हर सर्जरी उसके लिए एक ऑर्थोटेलिक एक्सपीरियंस बन जाती है। तो ऑर्थोटेलिक एक्सपीरियंस को समझने के बाद अब समझते हैं अगले चैप्टर में द कंडीशन ऑफ द फ्लो, यानी कि रॉक क्लाइंबिंग, सेलिंग, डांसिंग, ये सब एक्टिविटीज फ्लो को अचीव करने में मदद करती है। इस तरह की एक्टिविटीज में स्किल्स सीखनी पड़ती है, इसमें गोल भी होता है, तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है और पार्टिसिपेंट्स अपने रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज कॉन्सेंट्रेशन और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल के लिए हर स्पोर्ट में प्लेयर को एक तरह का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। जब गेम शुरू होता है तो प्लेयर्स और ऑडियंस दोनों गेम और उसके रूल्स में लीन हो जाते हैं। ये जैसे उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाता है। इन एक्टिविटीज के दौरान पार्टिसिपेंट्स एंजॉय करने के स्टेट में होते हैं। ये उन्हें हाई लेवल परफॉर्म करने के लिए पुश करता है। एग्जाम्पल के लिए टेनिस का गेम लेते हैं। एलेक्स एक छोटा बच्चा है जिसने अभी अभी टेनिस सीखना शुरू किया है। पहले उसमें कोई स्किल नहीं थी, वो तो बस इसी बात से खुश था कि जब वो बॉल को हिट करता है तो वो नेट के दूसरी तरफ चला जाता था। बॉल को मारना ही उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि अभी वो बिगनर था। इस समय एलेक्स फ्लो को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद वो एक्सपर्ट बन जाएगा और बॉल को अच्छे से हिट कर पाएगा, लेकिन उसके बाद वो इस रेपिटेटिव काम से बोर होने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एलेक्स को किसी ऐसे इंसान के साथ मैच खेलना पड़े जो कि उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। तब उसे एहसास होगा कि उसे अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। वो अपने खराब परफॉर्मेंस को लेकर के चिंता करने लगेगा, तो एलेक्स या तो बोर हो जाएगा या चिंता करने लगेगा, और ये दोनों चीजें ही ठीक नहीं है। वो वापस उस फ्लो में जाना चाहेगा जहाँ पर वो टेनिस को एंजॉय करता था। इसीलिए जब वो बोर होने लगे तो उसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज का सामना करना चाहिए, और अगर वो चिंता में है तो उसे अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए। एक बार जब वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो दोबारा फ्लो में होगा, और हो सकता है कि वो अपने अगले मैच में नए नए हीटिंग टेक्निक से सामने वाले को बुरी तरह हरा भी दे। तो हम सब अपने काम में उस पॉइंट पर जरूर पहुंचते हैं जहां या तो हम बोर हो जाते हैं या हार करके चिंता करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा और भी अच्छा करने का टारगेट सेट करना चाहिए ताकि हमारी स्किल हमेशा इम्प्रूव होती रहे, तभी हम अपने काम में मास्टरी को हासिल कर सकते हैं। फ्लो का मतलब लंबे समय तक एक ही काम करने का नहीं है, ये तो अपने आप को आगे बढ़ाने और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के बारे में है। ये उसी एक्टिविटी को नए तरीके से खोज कर एंजॉय करने के बारे में है। तो फ्लो को समझने के बाद अब हम इस चैप्टर में समझते हैं द बॉडी इन द फ्लो, यानी कि आजकल बहुत से लोग फिजिकल फिटनेस और हेल्थ की इम्पोर्टेंस को नजरअंदाज करते हैं। इस वजह से हम हमारी बॉडी की अनलिमिटेड पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते। कुछ लोग एक्रोबेट के स्किल्स को सीख करके नए नए रिकॉर्ड बना देते हैं, जैसे एथलीट्स, तो वहीं पर कुछ लोग हैं जो ज्यादा मूवमेंट करने के बजाय एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। एथलीट्स की कमाल की एबिलिटी को अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी अपने सेंसेस को ट्रेन करके इसे हासिल कर सकता है, लेकिन एक अनफिट बॉडी के साथ लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप अपनी आंखों को ट्रेन नहीं करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बल्कि सिर्फ ऑर्डिनरी ही देख पाएंगे। अगर आप अपने कानों को ट्रेन नहीं करेंगे तो उसे सिर्फ शोर ही सुनाई देगा। अगर आप अपनी जीभ को ट्रेन नहीं करेंगे, अपनी टंग को ट्रेन नहीं करेंगे तो उसे चीजों में स्वाद का एहसास नहीं होगा। अब इन सब चीजों में लाइफ की क्वालिटी एकदम एवरेज है, या फिर ये ऐसी भी हो सकती है जिसे आप नापसंद करने लगे। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को समझने लगेंगे तो ये सभी चीजें एक कमाल के एक्सपीरियंस में बदल जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी बॉडी कितना कुछ कर सकती है? ये सुन सकती है, देख सकती है, दौड़ सकती है। अब बॉडी की इस ताकत को मन के कॉन्सेंट्रेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो एक इंसान क्या क्या कर सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए एक मैराथन फ्लो एक्टिविटी में बदल जाती है, क्योंकि इसमें रूल्स और चैलेंजेस होते हैं। इसमें एक गोल अचीव करना होता है जिसके लिए स्किल चाहिए। मैराथन हर पार्टिसिपेंट को और तेज दौड़ने के लिए एनकरेज करता है। ओलंपिक्स का मोटो है हायर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर, जो कि हमें शॉर्ट में बताता है कि बॉडी ये फ्लो कैसे अचीव कर सकता है। हर स्पोर्ट का गोल होता है अपनी बॉडी की लिमिट को पुश करना। वैसे तो हम भी चीजों को दूर तक फेंक सकते हैं, लेकिन एथलीट वो है जिसने अपने स्किल में परफेक्शन और मास्टरी हासिल कर ली, जैसे कि बॉलर, बास्केटबॉल प्लेयर। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए पांच आसान स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। पहला है अपना गोल सेट करें, दूसरा अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखें, तीसरा है अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाए, चौथा है हमेशा अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहे, उसमें सुधार लाते रहे, पांचवा है बोरियत को दूर रखने के लिए अपने लिए कड़े चैलेंजेस बनाए।
अब वॉकिंग जैसी सिंपल एक्टिविटी को ही आप ले लीजिए। आप इसे भी एक फ्लो एक्टिविटी में बदल सकते हैं। पहले उस रास्ते को चुनिए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। अब बीच में आप कहाँ कहाँ पर रुकेंगे वो पॉइंट सेट कर लीजिए। दूसरा है, मेजर करें कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगले पॉइंट तक आप किस स्पीड से चल रहे हैं। अपने आसपास के खूबसूरत नज़ारे पर भी ध्यान दीजिए। तीसरा, उस रास्ते पर फोकस कीजिए। आप शहर में जॉगिंग कर रहे हो या पहाड़ों पर ट्रैकिंग, आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। चौथा है कि अपने लिए ऊंचा टारगेट सेट करें। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और पांचवा है कि आप किसी ज़्यादा चैलेंजिंग रास्ते को भी चुन सकते हैं। याद रखिए कि हर दिन एक ही काम करना आपको एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन वाला एक्सपीरियंस नहीं देगा। तो इन पांचों स्टेप्स के साथ आप किसी भी एक्टिविटी को फ्लो में बदल सकते हैं। तो फ्लो के सीक्रेट को समझने के बाद अब बात करते हैं द फ्लो ऑफ थॉट, यानी कि फ्लो सिर्फ बॉडी से नहीं होता, इसे मन के माध्यम से भी अचीव किया जा सकता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है किताबें पढ़ना। जब हम किसी भी कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। हम उस वक्त उस कहानी में ही खोए रहते हैं। कई ऐसे आर्ट कलेक्टर होते हैं जो सिर्फ एक पेंटिंग की सुंदरता की तारीफ नहीं करते, बल्कि उस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर के थॉट, इमोशन और उसकी उम्मीदों को भी समझ सकते हैं। अभी जो पांच स्टेप्स हमने सीखे उन्हें मेंटल एक्टिविटी के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए चेस का गेम। अब इसे खेलने के लिए कई सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो चेस में बहुत कॉन्सेंट्रेट करके खेलने की जरूरत होती है। इसीलिए हर चेस प्लेयर को कॉन्सेंट्रेशन की मदद से अपनी मेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि वो एक चेस मास्टर बन सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्क एज फ्लो, यानी कि सिगमंड फ्रॉयड से एक बार पूछा गया कि खुशी हासिल करने की क्या रेसिपी है, तो उनका जवाब बहुत ही सिंपल था, लव एंड वर्क, यानी कि प्यार और काम। चाहे आप जो भी हो और जो भी काम करते हो, आप अपने काम को ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। आप अपनी जॉब को एक फ्लो एक्टिविटी में बदल सकते हैं। रिसर्च कहती है कि जब कोई आदमी अपने काम में खुश होता है, अगर वो अपने काम से प्यार करता है, तो इसका उसके पर्सनल लाइफ, हेल्थ, सक्सेस सब पर पॉजिटिव असर होता है। साइकोलॉजिस्ट की टीम ने इटली के अल्पाइन गांव में रहने वाले लोगों का इंटरव्यू लिया। वहां पर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वहां के लोग हर रोज एवरेज 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ का कहना है कि वो कभी काम नहीं करते। अल्पाइन गांव में 76 साल की यानी कि 76 ईयर्स की सेराफिना विनोन नाम की एक औरत रहती थी। वो रोज सुबह 5 बजे उठती और सबसे पहले गायों का दूध निकालती। उसके बाद वो नाश्ता बनाकर घर की सफाई करती और बाद में खेतों में काम करने चली जाती। खेतों में उनका काम मौसम के साथ बदलता रहता था और सर्दियों के मौसम में वो बकरियों को मैदान में ले जाती ताकि उन्हें धूप मिल सके। स्प्रिंग का मौसम आता तो वो ऑर्चर्ड में काम करने चली जाती। ऑटम में वो भेड़ों से ऊन इकट्ठा करती। रात को वो अपने पोते पोतियों को कहानियां पढ़कर सुनाती या अपने परिवार और दोस्तों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती। तो साइकोलॉजिस्ट ने सेराफिना से पूछा कि आपको किस काम में सबसे ज्यादा मजा आता है। उन्होंने कहा कि गायों का दूध निकालने में, उन्हें घास के मैदान में ले जाने में, बगीचे का ध्यान रखने में। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को ये समझ में आया कि सेराफिना अपने हर एक काम को बहुत एंजॉय करती थी। उन्होंने फिर सेराफिना से पूछा कि अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा और समय हो तो आप क्या करेंगी। सेराफिना हंसने लगी और कहा कि यही सारे काम, गाय से दूध निकालना, उन्हें मैदान में ले जाना, जो मैं अभी भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सेराफिना को शहर के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं था। कभी कभी वो टीवी देखती थी और मैगजीन भी पढ़ती थी। उनके रिश्तेदार शहर में रहते थे, उनके घर में गाड़ी थी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे। वो बाहर के देशों में घूमने भी जाया करते थे। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी थी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल सेराफिना को पसंद नहीं था। वो अपने गांव में बहुत खुश थी और किसी दूसरी जगह नहीं बसना चाहती थी। उन्हें अपने हर काम में सेटिस्फैक्शन का एहसास होता था, जो कि उन्हें ऑप्टिमल एक्सपीरियंस देता था। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक बार ऑथर मिहाय ने इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में फ्लो को स्टडी करने के बारे में सोचा। वो 60 साल के एक आदमी जो क्रेमर से मिले, जो कि एक रेल रोड की कंपनी में वेल्डर का काम करते थे। जब वो बहुत छोटे थे तो उनका परिवार अमेरिका में बसने आ गया था। चौथी क्लास के बाद उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था और तब से वो इसी प्लांट में काम करते थे। उन्हें वहां पर काम करते हुए 30 साल हो गए थे, लेकिन अब भी वो वेल्डर का ही काम करते थे। उन्हें जब भी प्रमोशन का ऑफर दिया गया तो उन्होंने हर बार मना कर दिया। प्रमोशन के बाद वो किसी को भी ऑर्डर देने का काम नहीं कर सकते थे। जो को फैक्ट्री के हर काम के बारे में नॉलेज हो गई थी। जरूरत पड़ने पर वो कोई भी जिम्मेदारी उठा सकते थे। कोई भी मशीन हो वो उसे ठीक कर सकते थे। वो सिर्फ अच्छा काम नहीं करते थे, बल्कि अपने हर काम को बहुत एंजॉय करते थे।
मिहाय और उनकी टीम ने जो से पूछा कि बिना किसी ट्रेनिंग के आपने इतने कॉम्प्लेक्स मशीनों को ठीक करना कैसे सीखा। जो ने कहा कि बचपन से ही उन्हें मशीनों में बड़ी दिलचस्पी थी। जब भी कोई मशीन ठीक से काम नहीं करती तो उनके मन में सवाल उठने लगते कि ये काम क्यों नहीं कर रही है। एक बार उनके घर में टोस्टर खराब हो गया तो जो ने सोचा, अगर मैं टोस्टर होता तो मुझमें क्या क्या खराब हो सकता था। और उन्होंने मशीन को खोल दिया, उसमें क्या डिफेक्ट है उसे ढूंढा और उसे ठीक कर दिया। तब से जो इसी टेक्निक को यूज कर रहे थे। जो फैक्ट्री में हमेशा मुश्किल से मुश्किल काम की तलाश करते और इसीलिए कभी भी अपने काम से बोर नहीं हुए। मिहाय ने जिन दूसरे वेल्डर्स का इंटरव्यू लिया था वो सब अपने काम को बोझ समझते थे, बर्डन समझते थे। वो बस काम को खत्म करके जल्दी से जल्दी फैक्ट्री से बाहर निकलने का इंतजार करते थे। शाम होने पर ज्यादातर वर्कर्स बार में जाकर या तो ड्रिंक करते या फिर घर पर टीवी देखते। उन्होंने अपने काम में कभी भी वो सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस नहीं किया जिसे जो ने एक्सपीरियंस किया था। तो इन दो कहानियों से आपने क्या सीखा? यही कि चाहे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो या मेंटल एक्टिविटी, आपको सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। पहला है कि एक्टिविटी पर फोकस कीजिए। दूसरा है स्किल को डेवलप करें। तीसरा है ज्यादा से ज्यादा चैलेंजिंग काम करें। चौथा है एक क्लियर गोल बनाए। और पांचवा है अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहे। अगर आप इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे तो आपका काम रेपिटेटिव, बोरिंग या मीनिंगलेस नहीं होगा। यह आपको एक कम्प्लीट और ऑप्टिमल एक्सपीरियंस देगा। और इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो इस समरी में आपने सीखा कि आप खुद कैसे खुशी को अपनी जिंदगी में पैदा कर सकते हैं। आपने समझा कि अपने कॉन्शियसनेस को प्रोग्राम करके आप दुख को दूर करके खुशी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को दोष देने के बजाय आप उसे देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही पर डिपेंड करती है। आपने ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस के बारे में भी जाना। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप बिना किसी रिवॉर्ड के, उम्मीद के भी एंजॉय करते हैं। ये एक्टिविटी करना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। आपने फ्लो और ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के बारे में भी जाना। जिस काम को करते समय टाइम कब बीत जाए आपको एहसास भी ना हो और फिर भी आपको अच्छा महसूस हो, तो उस स्टेट को फ्लो कहा जाता है। जब आप फ्लो में होते हैं तो बाहर की सिचुएशन से आप पर कोई असर नहीं होता, बल्कि आप अपने अंदर के एक्सपीरियंस से खुशी महसूस करते हैं। इस स्टेट में आप सच में खुशी महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप फ्लो में होते हैं तो आपको बाहर से अपने काम को करने के लिए किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ये मोटिवेशन आपके अंदर से ही आ जाती है। इसके बाद आपने उन 5 स्टेप के बारे में सीखा जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी को फ्लो में बदल सकते हैं। पहला स्टेप है क्लियर गोल बनाइए। दूसरा है अपने प्रोग्रेस को मेजर कीजिए और फीडबैक लीजिए। तीसरा है जो आप कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस कीजिए। चौथा है कि अपनी स्किल को अपग्रेड करें। और पांचवा है और ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करें। याद रखिए कि आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा या कम खुश है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। या तो आप एक ही काम करते हुए बोरिंग और मीनिंगलेस लाइफ को जी सकते हैं या फिर आप एक्टिव होकर के खुद अपने लिए खुशी पैदा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपकी चॉइस है। तो अपने नजरिए को बदलकर आज से ही अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। तो अंत पंत काम तो हमें करना ही है और काम को अगर मजे के साथ उसका आनंद लेकर करें तो जिंदगी क्या से क्या होगी ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। तो इन सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, आप कौन सी चीज फॉलो करने वाले हैं और क्या चेंज लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ आगे आप किस समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और साथ ही अपना ढेर सारा प्यार भर भर के एकदम आप हम तक भेज सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यूज देकर के। अगर आप गीगल से कुछ कहना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई सजेशन है, कोई आइडिया है वो भी आप हमें बता सकते हैं। उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया है कि आप हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस कर रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं। तो जो भी आप कहना चाहते हैं गीगल से एज अ फ्रेंड आप कह सकते हैं। और इसी के साथ प्लीज अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।